इस आज के वीडियो में हम बताने वाले हैं कि जो हमारा Redmi A2 फ़ोन है, तो Redmi A2 फ़ोन की सेटिंग्स पे जाकर जो हमारे फ़ोन में गेम स्पेस है, तो गेम स्पेस का आप यूज़ कैसे कर सकते हैं Redmi फ़ोन में, और कैसे अपने फ़ोन में गेम टर्बो को ऑन कर सकते हैं अपने Redmi फ़ोन में। तो आज हम बताने वाले हैं कि गेम टर्बो को ऑन करके गेम स्पेस का आप यूज़ कैसे कर सकते हैं Redmi फ़ोन में, और गेम स्पेस का आप यूज़ कैसे कर पाएंगे। तो आज हम बताने वाले हैं कि गेम स्पेस का आप यूज़ कैसे करें और कैसे गेम टर्बो को ऑन कर सकते हैं Redmi A2 फ़ोन में। तो कुछ इस तरीके से आप गेम स्पेस का आप यूज़ कर सकते हैं Redmi A2 फ़ोन में, और गेम स्पेस का भी यूज़ कर पाएंगे Redmi A2 फ़ोन की सेटिंग्स पर जाकर, जिसके ज़रिए गेम्स वगैरह को प्ले कर सकते हैं। सिंपली जैसे आइकन्स हैं, शोर हैं, सिंपली आपको स्वाइप करना है। स्वाइप करते ही वाले आइकन्स ओपन हो जाएंगे, जिसमें से आपको सेटिंग्स पे जाना है। क्लिक करते ही फ़ोन की सेटिंग्स से ओपन हो जाएगी। तो जो हमारे फ़ोन में ऑप्शंस आता है कि कैसे आप गेम स्पेस का आप यूज़ कर सकते हैं और कैसे आप गेम टर्बो को ऑन कर सकते हैं रेडमी फ़ोन में, तो सिंपली सेटिंग शो हो रही है, तो देख सकते हैं कि आपके पास ये ऑप्शन आ रहा है। कनेक्शन एंड शेयरिंग्स, तो इस पे जाकर आपको बस कास्ट पे क्लिक करना है। कास्ट पे क्लिक करके डीमोस सेटिंग्स का ऑप्शन आता है, जहाँ से गेम्स ऑप्शन आ गया। जैसे टर्न ऑन गेम टर्बो, उस पर टैप करते हैं गेम टर्बो को ऑन कर सकते हैं, और इस तरह से गेम स्पेस आपके फ़ोन में प्ले हो जाएगा। जो भी गेम्स आप प्ले करना चाहते हैं यहाँ से कर सकते हैं PSP के ज़रिए। जो आपका गेम बूस्टर्स है ऑटोमेटिकली यहाँ पर ऑन हो जाएगा, जिससे आप गेम्स वगैरह को प्ले कर सकते हैं और इसका आप यूज़ भी कर सकते हैं। तो इस तरह से भी गेम स्पेस का यूज़ कर सकते हैं और गेम्स भी आप प्ले कर सकते हैं अपने फ़ोन में, और गेम स्पेस का भी यूज़ कर सकते हैं। एंड आप इसको बैक करना चाहते हैं तो बैक भी कर सकते हैं, और आपका जो गेम स्पेस है बैक हो जाएगा, जिसका आप यूज़ नहीं कर पाएंगे। तो इस तरीके से गेम टर्बो को ऑन करके गेम स्पेस का आप यूज़ कर सकते हैं अपने Redmi A2 फ़ोन में। तो आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतजार करें।